निदेशक पद संवैधानिक पद है, ये हम सभी जानते हैं। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस संवैधानिक पद को नियमितीकरण करने के लिए? जी सर, ऐसा हम लोग सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि संविदा का है पद, ठीक है, मानते हैं जहाँ हमारी नियुक्ति हुई थी संविदा पर ही हुई थी, लेकिन हमें एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए था जो हमें सरकार से 2013 से लेकर अब तक नहीं मिला है। हमने मांग करी थी 17,000 की, हमने तो स्थायी नियुक्ति भी नहीं मांगी थी उस समय, हमने सिर्फ सरकार से यही कहा था कि आप हमारा मानदेय 17,000 कर दीजिएगा, लेकिन उस पर भी सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन अभी तक हमें उसका एक रुपया भी नहीं मिला है उस 17,000 में से। और अब तो हमारी अपील यही है सरकार से कि 9,000 में किसी के भी घर का पालन पोषण नहीं होता। अगर हम अपने अच्छे बच्चों को किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो 9,000 तो उसकी ट्राइमेस्टर फीस में ही चली जाती है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हम लोग एक दिहाड़ी मजदूर की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी, हो सकता है हम लोग दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर हैं, ठीक है। तो बस इस टाइम जो गवर्नमेंट हमारी, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से अपील यही है कि सर समान वेतन समान कार्य, इसके लिए हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए और स्थायी नियुक्ति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि खेल स्वास्थ्य कंप्यूटर कला सारे विषय अनिवार्य विषय कर दिए गए हैं विद्यालय में। तो जब अनिवार्य विषय कर दिए गए हैं तो हमें भी उसी सम्मानजनक हमें उसका मानदेय मिलना चाहिए। हम इसके हकदार हैं क्योंकि हम अपने विद्यालय डेली जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम इसके हकदार हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और हम सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। आप जैसा कि 2013 से लगातार बच्चों को सिखा रहे हैं और देश के लिए एक प्रशिक्षित किसान देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लगाया भी इसीलिए गया है आप लोगों को, क्या आप सरकार से मांग करना चाहेंगे इस बीच, क्योंकि अल्प मानदेय में कैसे गुजारा हो पाता होगा आपका? हम अपने श्री माननीय योगी आदित्य जी को एक ही निवेदन करेंगे, हमने बच्चों के लिए इतना प्रयास करके अपने हर कोशिश कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में उन्हें प्रैक्टिकली बताते हैं, जाते हैं और अपने मानदेय से काफ़ी रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और अब आपको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे इतने अल्प मानदेय जो 9,000 रुपए अभी इस बढ़ाए, मतलब 3-4 महीने अप्रैल से, उस समय तो हम 7,000 में काम कर रहे थे। कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दें जिससे हम अपने बच्चों को भरपूर शिक्षा दे सकें, उनको भी आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।